नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑटो रिव्यू में। आज हम दोस्तों आपसे बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग के बारे में। तो काफ़ी ड्राइवर हमारे भाइयों को पता नहीं होता है कि गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग कब होनी चाहिए और कितने किलोमीटर पर होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपकी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या नुकसान मिलेंगे। तो सबसे फ़ायदा नंबर वन की हम बात करेंगे कि इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट करने के बाद क्या होता है, गाड़ी की जो टायर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है, गाड़ी का जो टायर एक साइड से ज़्यादा दब जाता है, एक साइड से नहीं दबता है, तो गाड़ी टायर दबाने लगती है। टायर दबाने लगती है तो गाड़ी के जो टायर है वो घिस जाते हैं। टायर घिसने की वजह से इंजन के ऊपर भी लोड आता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो दोस्तों, इसलिए अलाइनमेंट कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों गाड़ी में। और अलाइनमेंट कब करना चाहिए और अलाइनमेंट करने का सही समय जो है वो क्या होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब पानी टू पी और पी। अलाइनमेंट करने का जो सही समय है वो 6000 से 10000 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए। हर 6000 से 10000 किलोमीटर के बीच में अलाइनमेंट अगर होती रहेगी तो टायर की जो एवरेज निकलेगी वो बहुत अच्छी निकलेगी। तो आइए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार आप टायर को दिखा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये टायर है और ये टायर है 920 का टायर है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लो गाड़ी अभी 2000 4000 5000 किलोमीटर चल चुकी है, तो कई बार क्या होता है कि एक साइड की जो किनारी आपको नज़र आ रही है, एक साइड की घिस जाती है और एक साइड की बिल्कुल फ्रेश होती है। कई बार अंदर साइड की दब जाती है और कई बार अंदर साइड की दब जाती है, ऊपर की बिल्कुल सही रहती है। तो हमको क्या लगता है कि ये टायर गाड़ी दबा रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस गाड़ी के टायर में काम करवाते हैं, हब में काम करवाते हैं और हम अलाइनमेंट का काम करते नहीं हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है हमारी गाड़ियों में। 6000 से 10000 किलोमीटर में अलाइनमेंट करिए और अलाइनमेंट करने के बाद दोस्तों गाड़ी के टायर में आप देखोगे तो काफ़ी फ़र्क मिलेगा। इंजन में भी बहुत कम, बिल्कुल कम प्रेशर आएगा, कम लोड आएगा और दोस्तों आपको बता दूं और एवरेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आपको पीछे वाले टायर में आपको बता देता हूं दोस्तों, आइए मेरे पीछे। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये जो पीछे के जो टायर है इसमें क्या होता है कि सामने तो सिंगल टायर होता है, इसमें डबल टायर होता है। एक टायर अंदर होता है, एक टायर बाहर होता है। तो अंदर वाले टायर को हम मॉनिटर नहीं कर पाते, अंदर वाले टायर पर हमारी ध्यान जो है, नज़र जो है बहुत कम पड़ती है, क्योंकि वो अंदर होता है, ये बाहर होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, जब भी आप गाड़ी की 6000 8000 किलोमीटर के बाद आप अलाइनमेंट करते हो, क्योंकि गाड़ी में 6 टायर है या 7 टायर है, स्टेपनी पकड़ के 7 हो जाते हैं इसमें, अगर आप व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो आपके टायरों पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये घिस रहा है या नहीं घिस रहा है, इसमें कोई कट तो नहीं लगा है। तो व्हील बैलेंसिंग करने से दोस्तों एक फ़ायदा ये भी है कि आप 7 टायर पर नज़र भी रख पाएंगे, स्टेपनी के साथ 7 हो जाते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। और अंदर वाले टायर पर नज़र भी आ जाएगी आपकी। और वो लोग उसको क्या करते हैं कि रोटेशन मशीन में टायर को डाल के स्पीड करके घुमा के देखते हैं कि किस प्रकार से ये ऊपर तो नहीं हो गया, टायर एक साइड से दब तो नहीं रहा है, किनारे आपके दब तो नहीं रही है। तो दोस्तों इसलिए ही मैंने आपको आज हमारे वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जो नए गाड़ी मालिक हैं या जो नए ड्राइवर्स हैं गाड़ी चला रहे हैं लेकिन गाड़ी के बारे में नॉलेज उनको बहुत कम है, तो ये नॉलेज के लिए ही दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है कि व्हील बैलेंसिंग करना, अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है हमारी गाड़ियों के लिए, ताकि इसमें एवरेज में भी आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। टायर की जो एवरेज है, जैसे कि मान लो 50000 60000 किलोमीटर 40000 किलोमीटर के बाद टायर आपका घस के या चेंज हो जाता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका 10000 12000 किलोमीटर 6000 8000 10000 किलोमीटर गाड़ी आपकी ज़्यादा ही चलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मतलब टायर का एवरेज बढ़ जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आप हाथ छोड़ के गाड़ी चलाते हैं, कई बार गाड़ी क्या होता है कि इस एक साइड चलने लगती है या लेफ्ट राइट लेफ्ट चलने लगती है, राइट चलने लगती है, तो अगर आप इसको बैलेंसिंग भी करवा सकते हैं टायर को या अलाइनमेंट भी कर सकते हैं जिससे आपका गाड़ी का टायर जो सीधा रहता है। जैसे कई बार गाड़ी में पंचर हो जाता है तो क्या होता है कि इसमें ये कड़ा होता है, टायर के अंदर ये कड़ा होता है, जैसे ही मान लीजिए कड़ा खुल जाता है तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया, ये खराब हो जाती है दोस्तों। जैसे ही पंचर हुआ, आपने इसको टायर को निकाल के कड़ा निकाला, तो वो आपकी अलाइनमेंट ख़त्म हो गई है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो उस टायर को आपको दोबारा अलाइनमेंट करना ही होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है
तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो हमारे ड्राइवर भाइयों को भेजें, ताकि उनके गाड़ी में अगर ऐसी बैलेंसिंग अलाइनमेंट की, टायर दबाने की शिकायत अगर कोई आती है, तो दोस्तों आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ट्रक से और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।